तो टू इसके अंदर हम जो ये इस तरह का जो ड्रॉप डाउन बना रहे होते हैं, तो उस ड्रॉप डाउन के हम इसको जब टूगलर बनाना चाहते हैं, ये टूगलर बटन कहलाता है कि एक दफ़ा क्लिक करने पे खुल जाता है और दोबारा क्लिक करने पे ऑफ हो जाता है। तो टूगलर बटन जो है वो बनाने के लिए आपको ये नया एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना होगा HTML का, जिसका नाम है डेटा डैश बी एस डैश टूगल, और इसकी वैल्यू पास करनी होगी ड्रॉप डाउन, और उसके साथ साथ आपको ये भी एट्रीब्यूट लिखना है एरिया डैश एक्सपेंडेड, और इसकी वैल्यू पास करनी होगी फॉल्स। ठीक है, अब मकसद मेरा सिर्फ कहने का, समझाने का आपको ये है कि ये एट्रीब्यूट बूटस्ट्रैप के नहीं हैं, ये HTML के हैं। ठीक है, ये एक टूगल बटन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसका बूटस्ट्रैप से कोई लेना देना नहीं है, ये HTML के किसी भी बटन के साथ लिखेंगे तो वो टूगलर बन जाएगा। लेकिन टूगलर के साथ साथ जो बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं, जो मेन कंटेनर पर लग रही है वो ड्रॉप डाउन है, जो बटन के अंदर लग रही है वो ड्रॉप डाउन डैश टूगल है, बाकी बटन की जो क्लास है वो बटन BTN सेकेंडरी प्राइमरी इन्फो डेंजर जो रखेंगे आपकी मर्ज़ी, LG SMB करना चाहें छोटा बड़ा साइज़, लेकिन UL पे जो क्लास लगेगी वो ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू की है, और लिस्ट आइटम पे जो क्लासेस ऐड होंगी ड्रॉप डाउन डैश आइटम, और यहाँ पर जो लिंक है वो यहाँ डिफाइन होगा। अब ये बटन ये एंकर के ज़रिए बनाया है, और अगर बटन के साथ बनाएंगे तो बटन का एट्रीब्यूट जो है सिर्फ उसमें ये वाला आ जाएगा, एलिमेंट बटन यूज़ होगा, और वहाँ पे रोल बटन था, यहाँ पे टाइप इसकी बटन बतानी पड़ेगी, बाकी कोड रिमेन सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह के ट्रुगल्स बटन बनाने में हेल्प कर रहा होता है। अगर इसके अलावा अगर इनके कलर्स चेंज करने हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस इन्फो वार्निंग, तो देखिए इस तरह से भी मेन्यू आप डिफाइन कर सकते हैं, और ये इस तरह से आपको ट्रुगल बटन नज़र आने लग जाएंगे। और अगर इसके अलावा इसका हमने स्प्लिट करना है इसको दो हिस्सों में, कह रहा है सिमिलरली क्रिएट स्प्लिट बटन विद वर्चुअल द सेम मार्कअप एज सिंगल बटन डाउन्स ड्रॉप डाउन्स बट विल एडिशनल डॉट ड्रॉप डाउन टूगल डैश स्प्लिट करना पड़ेगा। अब स्प्लिट होके वो कैसा नज़र आएगा, जैसे कि इसने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया इस पोर्शन को इस पोर्शन से, जबकि ऊपर वाले में देखें तो ये एक ही नज़र आ रहा होता है। तो इसमें जो क्लास यूज़ करेंगे वो स्प्लिट की करेंगे, मतलब इसमें यूज़र यहाँ क्लिक करेगा तो एक्शन नहीं होगा, यहाँ क्लिक करेगा तो एक्शन होगा। जब आप इसमें ड्रॉप डाउन डैश टूगल के साथ साथ डैश स्प्लिट की क्लास का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये एक बीच में स्पेस सेपरेटर लेके एक अलग से इसके साथ बटन क्रिएट कर देगा। समहाउ हर वेबसाइट पर तकरीबन आपको ये दिख ही रहे होते हैं। अच्छा, साइजिंग में अगर आप इसके साथ BTN डैश LG लिख देंगे तो बटन इस तरह का बड़ा बन जाएगा, और अगर SM लिख देंगे तो थोड़ा छोटा बटन बन जाएगा, साइज़ के अंदर इस तरह का बन जाएगा। फिर इसको नेविगेशन बार में कैसे यूज़ करना है ये फिर हम जब नेविगेशन पर पढ़ेंगे उसमें देखते हैं। अभी हम कोशिश करते हैं ड्रॉप डाउन बनाने की, तो हम इसी को यहाँ से बनाने के लिए स्पेस से जाते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करते हैं, विजुअल कोड को यहाँ से लोड करते हैं, और यहाँ पर जाके फाइल में जाके इसको क्लिक करते हैं ओपन फोल्डर के ऊपर। जैसे ही ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स में नज़र आने वाला है एक फ़ोल्डर जिसका नाम है सुपर, और यहाँ से हम बूटस्ट्रैप में चले जाते हैं फोल्डर में, और यहाँ से ले लेते हैं सुपर फायरवॉल नॉइस के नाम से, और इसमें जाके इस फाइल को सेव कर देते हैं सेलेक्ट फोल्डर करके। जैसे ही फोल्डर सेलेक्ट करेंगे तो ये एक नई फाइल की फोल्डर डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद फाइल में जाके यहाँ से न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, और इसका नाम हम रख रहे हैं टॉगल बटन। ठीक है, टॉगल बटन या ड्रॉप डाउन डॉट HTML, ये एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपने शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाना है तो ये आपको बेसिक HTML का कोड आपको दे देगा, और यहाँ टाइटल बार में इस वेब पेज के लिख देते हैं क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ड्रॉप डाउन मेन्यूज। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज हम बना रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब बूटस्ट्रैप को कनेक्ट कैसे करेंगे, याद रहे बूटस्ट्रैप को आप पहले अपने इस फोल्डर में कॉपी कर लें जहाँ पर आपने इस वेब पेज को सेव किया है। उसके बाद पहले लगाएंगे लिंक का टैब, ये लिंक का टैब लग गया, फिर इस पे लिखेंगे बी, तो जैसे लिखा आएगा बी के साथ बूटस्ट्रैप के फोल्डर में जाके, डिस्ट्रीब्यूशन के फोल्डर में जाके, CSS में जाके बूटस्ट्रैप min.css की फाइल से आपने कनेक्ट कर लेना है। स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल से कनेक्ट करने के लिए, तो स्क्रिप्ट का टैग लगा के यहाँ पे src सोर्स का एट्रीब्यूट ऐड करा के, फिर आपने बी दबाना है तो फिर वही लिखना है बूटस्ट्रैप में जाके, डिस्ट में जाके, जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाके, बूटस्ट्रैप bundle.min.js की फाइल से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है।
यानी कि एक दफ़ा फिर मैंने रिवाइज करा दिया कि बूटस्ट्रैप को ऑफलाइन मोड में कैसे आपने कनेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ कोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेन कंटेनर बनाएंगे, उसके अंदर हम पहले बटन से बना लेते हैं, बटन का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं। बटन में हम लिख लेते हैं सपोज टू बी कोर्सेस लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जाके एक यूएल क्रिएट कर देते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, और फिर उसके अंदर एक लिस्ट आइटम, और फिर उसके अंदर एक एंकर, और एंकर के लिंक्स को फ़िलहाल हम कर देते हैं डिसेबल, ताकि हम बाद में बता देंगे किससे कनेक्ट करना है। और इसके अंदर कोर्सेस की जो डिटेल्स हैं वो हम यहाँ लिख रहे हैं ADID, एंड देन फिर यहाँ से जाके हम इसको यहाँ से कॉपी कर रहे हैं जितने हमें इसके अंदर ऐड कराने हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट एंड देन पेस्ट एंड देन पेस्ट, और फिर यहाँ पे कोर्सेज की डिटेल्स को चेंज करते देते हैं हम यहाँ पे ACIT, यहाँ पे लिख देते हैं ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ सेव कर लिया हमने, ओके। अब ब्राउज़र पे ये कैसा नज़र आएगा, राइट बटन दबा लेते हैं, फाइल एक्सप्लोरर पे चले जाते हैं, यहाँ से इसको राइट बटन दबा लेते हैं, यहाँ से ओपन विथ कर लेते हैं, और यहाँ से इसको वेब ब्राउज़र पे ओपन करके ईजीली देख सकते हैं कि ये इस तरह का क्रिएट हुआ है। अभी ये सिर्फ HTML का कोड लिखा हुआ है। नाउ अप्लाई बूटस्ट्रैप कोड, तो सबसे पहले आपने आना है यहाँ पर, एक क्लास का एट्रीब्यूट ऐड कराना है, इक्वल लगाना है, और कौन सा यहाँ पे क्लास लिखेंगे, ड्रॉप डाउन, ये आपने क्लास यहाँ पे लिख देनी है। जैसे ही यहाँ ड्रॉप डाउन की क्लास को आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस पर फिलहाल, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे बटन के साथ कुछ और एट्रीब्यूट को ऐड कराएंगे। जैसे सबसे पहले क्लास का एट्रीब्यूट ऐड कराते हैं, यहाँ पे हम क्लास BTN और BTN का कलर डिफाइन करने के लिए BTN के साथ हम प्राइमरी क्लास को ऐड करा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी क्लास ऐड कराई, सेव किया, सेव एंड रिफ्रेश, तो देखें वो एक पिल बन गया जो कि प्राइमरी कलर का है और उसमें इस तरह से दिखाई देने लग गया। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो UL के साथ हम एक और क्लास ऐड कराएंगे, उसमें लिखेंगे ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू की क्लास। तो जैसे सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो वो नीचे वाले जो कंटेंट थे वो गायब हो गए, डिसअपियर हो गए। फिर आप एंकर पे जाके लिखेंगे एक क्लास, क्लास ड्रॉप डाउन डैश आइटम। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे और इसको फिर हम यहाँ से कॉपी भी कर लेते हैं, एक तरीका और भी बताता हूँ, इसमें कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें, फिर क्लिक करें जहाँ पे रखना है और ऑल्टर का बटन दबा के रखें, दोबारा क्लिक करें, तिबारा क्लिक करें, तीनों जगह पे आपका कर्सर इजीली प्लेस हो जाएगा, और वंस पेस्ट करेंगे तो सब पर वो एक साथ पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया, एंड रिफ्रेश करेंगे तो वो ऐड हो गया लेकिन ये काम नहीं कर रहा। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मज़ीद एट्रीब्यूट ऐड कराने होंगे टूगल बटन बनाने के लिए, जिसके लिए डेटा डैश BTS क्या था वो एलिमेंट जो उसमें हमने लिख रखा था, डेटा BS-Toggle, तो ये वाला एलिमेंट हम ऐड कराएंगे, डेटा BS-Toggle, और उसकी वैल्यू हमें पास करनी है ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप और डाउन की वैल्यू हमने यहाँ से पास कर दी, तो ये इस तरह से पास हो गया। अब इसमें देखना है जो वैल्यू पास की हुई है वो अगर स्मॉल लेटर्स में है तो हमें भी वैसे ही करनी है, और यू हुबहू हमने ड्रॉप डाउन की वैल्यू ऐसे पास की है। उसके बाद एरिया जो हमने डिफ़ाइन करना है, एरिया उसके साथ क्या यूज़ होगा, एरिया करंट है, डिस्क्राइब्ड है, डिटेल्स है, ड्रॉप मैसेज है, कौन सा एरिया हमें यूज़ करना है, इसके अंदर काफ़ी सारे एरिया आ चुके हैं तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हमने कौन सा एरिया यूज़ करना है। एरिया डॉट एक्सपेंडेड यूज़ करना है, एरिया डैश एक्सपेंडेड खुद ही आ जाएगा लिखा हुआ, और उसकी वैल्यू को कर देना है हमें फॉल्स, ये फॉल्स की वैल्यू को पास कर देना है। अलाउड चेक इट आउट कि अब क्या बना है यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, और ये क्लिक करेंगे तो देखें आपका ड्रॉप डाउन तैयार है, सही। तो जब क्लिक करेंगे खुल जाएगा और जब क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा। फर्दर आप इसी चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब आपको जितने मेन्यू बनाने हैं आप इसी तरह से बनाते चले जाएं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, एक दफ़ा बना लें फिर तो ये खुद ही होता चला जाएगा। दूसरा ड्रॉप डाउन बना दिया, अब दूसरे ड्रॉप डाउन को जब आप बनाएंगे तो वो इसके नीचे क्रिएट हो जाएगा। अब ये दोनों एक साथ क्रिएट करने हैं तो क्या करना होगा, देखें दोनों अगर आपको एक साथ क्रिएट करने हैं तो इसका पहला एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इनको एक कंटेनर में डाल दें, मतलब हमने यहाँ पर डिव बनाया और डिव बनाने के बाद इसको इस तरह से रख लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कंटेनर के साथ क्या किया जाए, तो क्लास फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेनर डैश फ्लूड कर देंगे, ठीक है, और पैडिंग इसके अंदर थोड़ी बहुत बता देते हैं,
p-2 कर देते हैं और कुछ नहीं बता रहे, सिर्फ यही चीज़ दो बताते हैं। और इस कंटेनर को क्लोज़ करते हैं, यहाँ से जो इसका क्लोज़ है वो इन दोनों ड्रॉप डाउन के बाद रख देते हैं। तो ये इससे बीच में तो नहीं आए, लेकिन फिर भी अभी भी दूर दूर ही है। अच्छा, अब ये नहीं आए तो फिर क्या करें? फिर हम दूसरा मोटिव तैयार करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डिव क्लास करके इसको हम कर देते हैं डिव, और डिव करने के बाद यहाँ पे हम लगा देते हैं रो। तो जैसे ही रो लगाएंगे, अब हमारे पास कितने कॉलम हो गए? नीचे 12 कॉलम हो गए। हमें कितने बनाने हैं? अगर 12 ही ड्रॉप डाउन बनाने हैं तो एक एक सब पे अप्लाई कर दें। अगर हमें 6 ड्रॉप डाउन बनाने हैं तो फिर दो दो कॉलम पे डिवाइड करें। तो उसके लिए क्या करेंगे? डिव, ठीक है, उसके साथ आप लिखेंगे यहाँ पे क्लास इक्वल टू कॉल डैश एम डी डैश टू, यानी कि दो कॉलम इसमें इस्तेमाल करें। और इसके डिव को क्लोज करेंगे आप कहाँ पर? ये पहले वाले ड्रॉप डाउन के क्लोज के बाद, ठीक है। और दूसरा फिर यहाँ से इसी को शुरू करेंगे, दूसरे कॉलम को, जो अगले 4 कॉलम्स के लिए होगा जो इससे पहले शुरू होगा। और उसको कहाँ क्लोज करेंगे? उसको क्लोज करेंगे दूसरे वाले डिव के, यानी कि ड्रॉप डाउन के बाद। यहाँ पे अब देखिए, रिफ्रेश करेंगे तो ये दोनों एक साथ आ गए और इनमें गेप आ रहा है तकरीबन दो दो कॉलम का, क्योंकि दो कॉलम का इसको दिए हैं, दो इसको दिए हैं। अच्छा, अगर आप ये दो नहीं लिखेंगे तो फिर ये ऑटो एडजस्ट करेगा, मतलब 6-6 में डिवाइड कर देगा, इस तरह से करता जाएगा। अब हम इसी रिवायत को कंटिन्यू करते हुए यहाँ से ये वाला कंटेनर लेते हैं और लेके हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके नीचे ऐड कराते हैं। और अब एक तीसरा वाला ऐड कराएंगे हम, तो 4-6 कॉलम्स हो गए। तो फिर नीचे चला गया इसके, तो नीचे क्यों चला गया वो इसके, कि हमने उसकी रो के बाहर रख दिया। कॉलम वाले कोड को लेते हैं यहाँ से, ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम पूरा का पूरा कॉलम कॉपी, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा अंडू कर लेते हैं कोड को। ओके, अब तो सही है कोड यहाँ पे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा ये रो, ये पहला कॉलम हमारा एंड हुआ यहाँ पर, ये दूसरा कॉलम, ये एंड हुआ यहाँ पर। तो ये एक एक्स्ट्रा है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ये जब यहाँ एंड हो रहा है तो इसी के नीचे से इसको कॉपी करेंगे और यहीं पे पेस्ट करेंगे। नहीं, ये इसका यहाँ पे मिस्टेक हुआ, नहीं यहाँ पे नहीं है मिस्टेक है। तो ये अब सेट हो गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब सही आ रहा है बिल्कुल। अब ये ट्रैक कर रहा है इसको, तो हमारा रो वाला डिव यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ से कॉपी पेस्ट, अब ये तो पूरे पे आ गया। इसको देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें कॉलम वाला हमने नहीं लिया, चलो नहीं लिया कॉलम वाला तो लिख देते हैं इसके आगे। ये हमारा रो वाला डिव है और ये जाके हमारा एंड हुआ यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये बनाया इसके अंदर एक कॉलम। ये कॉलम कहाँ से शुरू हो रहा है? ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये कॉलम शुरू हुआ। अच्छा, ये हमारा डिव का ड्रॉप डाउन शुरू हुआ। ये कॉलम कहाँ एंड हो रहा है? कॉलम एंड हो रहा है यहाँ पर, ये तो ठीक है। ये दूसरा कॉलम शुरू किया, डिव क्लास कॉल डैश एम डी डैश टू। इसके बाद डिव क्लास ड्रॉप डाउन शुरू किया, ये यहाँ से शुरू हुआ और ये क्लोज़ हो रहा है यहाँ पे। और ये इसका डिव जो है ये यहाँ से क्लोज़ हो रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ से कोड ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं,
यहाँ से लेंगे और इसको ले जा के कॉपी कर रहे हैं और इसके नीचे पेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे रिफ़्रेश कर रहे हैं, अब सही आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, फिर यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे इसके आगे आ रहा है 2 4 2 4 2 4 6 8 10 12, तो 2 और ले लेते हैं। ये आ गया इस तरीके से, ठीक है ना। अब इस तरीके से ये हमने बना दी, इसके अंदर मेन्यूज डिफरेंट इस तरह बनेंगे। तो मैं इसको बनाने का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि जैसे हमने यहाँ पे 18 प्राइमरी लिखा है, तो यहाँ पे अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो सक्सेस लिख देंगे, तो देखिए इसका कलर ग्रीन हो गया, पर ड्रॉप डाउन अभी भी है। अगर इसका साइज़ कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके BTN प्राइमरी लिखा है, उसमें हमने ड्रॉप डाउन वाले में यहाँ पर ड्रॉप डाउन डैश टूगल की क्लास इस्तेमाल करनी है और इस पर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए टूगल बटन भी आ गया और ये इस तरह से आ गया। मतलब अगर आप ये क्लास यूज़ नहीं करेंगे तो वो ड्रॉप डाउन तो बनेगा लेकिन वो पिल्स टाइप का बनेगा, फिर जब ये यूज़ कर लेंगे तो इसके अंदर जो है ये वाला फीचर भी ऐड हो जाएगा। हाँ, आप यहाँ पे अगर आपने कलर चेंज करना है, जैसे इन्फो लिख देते हैं, तो यहाँ पर फिर ये कुछ इस तरह का क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर इसे ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए BTN प्राइमरी, तो पहले क्लास यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन डैश टुगल डैश स्प्लिट। अगर हम ये क्लास यूज़ करेंगे तो फिर ये ड्रॉप डाउन स्प्लिट वाली क्लास यूज़ नहीं हुई, ड्रॉप डाउन टुगल सही है, डैश स्प्लिट स्प्लिट इसमें यूज़ करेंगे, एक मिनट। तो वो जो क्लास है हमारी जो दो हिस्सों में इसको डिवाइड करेगी वो हम यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करना है हमें इसके साथ, ये सिमिलर क्रिएट स्प्लिट बटन ड्रॉप डाउन वर्चुअली सेम मार्कअप एज सिंगल बटन ड्रॉप डाउन बट विद द एडिशन ऑफ ड्रॉप डाउन टूगल डॉट स्प्लिट द प्रॉपर स्पेसिंग अराउंड द ड्रॉप डाउन कैरेट। अच्छा, तो वो जो क्लास हमने यूज़ करनी है वो हमने बटन पे तो लगाया है BTN डैश BTN डेंडर, तो कलर हो गया, ड्रॉप डाउन डैश टूगल लगा दी, फिर दोबारा से क्लास लगानी है डूगल और स्प्लिट की, उसी में लगाना है। तो इसमें हमने ये क्लास लगा के पहले ये क्लास लगानी है और फिर वो दोबारा से टाइप करना है पूरा का पूरा स्प्लिट वाला मामला। तो यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये अब अलग से इसका फीचर ऐड हुआ, तो थोड़ा स्प्लिट करने के बाद भी ये इससे जुड़ा हुआ सा नज़र आ रहा है, तो अभी इसमें थोड़ा सा चेंज है करने के लिए बाकी, उसको देख लेते हैं। तो जो चेंज है इसके अंदर करने के लिए बाकी वो हमने यहाँ पर देखना है कि बटन टाइप में हमने पहले BTN डेंजर, ये तो हो गया बटन का कलर, फिर ड्रॉप डाउन डैश टूगल और फिर ड्रॉप डाउन टूगल डैश स्प्लिट, बाकी डेटा बेस में वही है, एरिया में एक्सपेंडेड फॉल्स ही है, क्लास हमने बिल्कुल सही जोड़ी है। तो एक अच्छा उसके ऊपर ले जाने पे नज़र आएगा ये थोड़ा सा, ये ऐसे देखते हैं सेपरेट तो नहीं हुआ, इसमें बटन सेम ही आ रहा है, क्लास भी सही लिखी है, ड्रॉप डाउन डैश टूगल ड्रॉप डाउन टूगल स्प्लिट। चलें एक दफ़ा वहाँ से हम देखते हैं इसको चल के, बाज़ुकात कुछ वर्जन का भी फ़र्क होता है इसलिए इतना फ़र्क आ रहा होता है, इसके ऊपर देख लेते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा कोड मैं इसको एज इट इज़ पेस्ट करता हूँ, शायद हमारी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक रह गई हो, BTN डेंजर ड्रॉप डाउन डैश टूगल ड्रॉप डाउन डैश टूगल डैश स्प्लिट, ठीक है अभी सही है कोड, अब इस पर रिफ्रेश करते हैं। बस इसी तरह का बन रहा है, शायद ये वर्जन कोई इफेक्ट है कि अगर ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे तो फिर ये इसका सेपरेटर यहाँ पर ऐड कर देगा। तो बहरहाल ये इस तरीके से जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये इसका स्प्लिटर बन जाएगा, और इसी में अगर हम यहाँ पर बटन के साथ ही BTN डैश LG की क्लास यूज़ कर लेंगे तो होगा क्या, ये रिफ्रेश तो वो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, और अगर उसको हम जाके लिख देंगे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर BTN डैश SM और फिर ड्रॉप
डाउन टूगल, तो ये होगा थोड़ा सा छोटा वाला बन जाएगा इस तरह का, ठीक है ना। और बहरहाल ड्रॉप डाउन तो ये इसी तरह से क्रिएट होते रहेंगे, और ये आपका ड्रॉप डाउन मुख्तलिफ तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ इसमें समझने वाली बात ये है कि इसको आपने बनाना है तो एक तो इसका मेन है उसमें क्लास ड्रॉप डाउन की है, फिर जो बटन बना रहे हैं तो उसमें जो क्लास है वो आप देख लें बटन की क्लासेस हैं, और बटन से हटके पर सिर्फ यही क्लास है जो आपने इसमें ऐड करानी है टूगल के लिए। और जो उसके अंदर यू एल क्रिएट हो रहे हैं उसमें बस यही क्लास ऐड होगी मेन्यू की, और जितने लिंक्स और एंकर हैं तो उसमें ड्रॉप डाउन डैश आइटम की क्लास ही इसमें ऐड होगी, जिसके बाद ये प्रॉपर ड्रॉप डाउन बन जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो सिर्फ HTML की कोड में हमने ड्रॉप डाउन बना लिया, जबकि जब CSS का कोड हमने किया था तो उसमें कोई 8-10 किस्म की क्लासेज और कमांड्स लगाने पड़े थे। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, इसमें बना हुआ रखा हुआ है। तो हमने CSS में जब ये ड्रॉप डाउन बनाया था तो कैसा बना था, तो हम यहाँ पे चले गए और यहाँ से CSS के फोल्डर में चले गए और CSS, और यहाँ पे जाके हमने देखा कि हमारे पास जो फायरवॉल नॉइस का फोल्डर है इसमें शायद हमने एक ड्रॉप डाउन ये देखें बनाया था, फिर भी वो इतना अट्रैक्टिव नहीं बना था, ये बने थे इसके अंदर। और इसमें देखिए कि हमने कितना कोड किया था, अगर आप देखें तो इसके साथ हमने इसकी CSS फाइल भी बनाई थी, HTML से हट के हमने काफ़ी सारा CSS का कोड भी किया था जिसमें हमने ये ड्रॉप डाउन के कोड लिखे थे। जबकि बूटस्ट्रैप में ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ क्लासेस आपको पता हो और भूल भी जाएं तो getbootstrap.com पे जाके उन क्लासेस के बारे में समझ लें एक दफ़ा, ताकि आपकी मेमोरी रिकॉल हो जाए और इस तरह के ड्रॉप डाउन आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं।